हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम चैप्टर के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम क्षेत्रफल को कवर कर चुके हैं और हम आयतन को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चन के बाद में आपको रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक लंब वृत्तीय बेलन तथा एक गोले की त्रिज्याएं समान हैं तथा इनके आयतन बराबर हैं, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने रखा है एक्सपेक्टेड में, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए तैयार करना जरूरी है, क्योंकि अब पहले जैसा लेवल एग्जाम का नहीं रहा, ठीक है ना। तो आपको हर प्रकार के सवाल बनाना आना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है आपसे, यहां बात हो रही है दोस्तों एक बेलन की। तो मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूं, देखिए एक बेलन की और बात हो रही है गोले की, ठीक है। क्या कहा उसने, लंब वृत्तीय बेलन, ये रहा बेलन, और गोले की त्रिज्या समान है। देखिए गोले की त्रिज्या क्या होगी, केंद्र से लेकर परिधि तक की, यहां तक की दूरी, ये त्रिज्या आर, ठीक है ना, मैं इसको आर कहता हूं। और ये रहा देखो बेलन की त्रिज्या, और ये आर, ठीक है ना, ये भी आर। तो ये दोनों त्रिज्याएं दोस्तों कैसी हैं, बराबर हैं आपस में। यदि इसका मान चार है तो इसका भी मान चार होगा, इसका मान एक्स है तो इसका भी मान एक्स होगा, यानी कि दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं। अब उसने क्या कहा आपसे, इनके आयतन भी बराबर हैं। क्या कहा, आयतन भी बराबर, यानी कि बेलन का आयतन बराबर है गोले के आयतन के। अब उसने पूछा है आपसे कि बेलन की ऊंचाई बताइए, ये है बेलन की ऊंचाई h, हमें इस h की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h बराबर में, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। सॉल्व करते हैं क्योंकि हमको निकालना है यहाँ h की वैल्यू। देखिए हम पाई से पाई को काट सकते हैं, काट दिया, ठीक है। आर दोनों समान है, आर बराबर है, इसका मतलब यहां भी आर रखेंगे, यहां भी आर रखेंगे, हम इसको इससे काट सकते हैं। देखिए ये स्क्वायर में है, ये क्यूब में है, जब स्क्वायर क्यूब को काटेगा तो यहां पर एक आर बचेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर गुणे आर बराबर में क्या लिखा है आर क्यूब, यानी कि आर का 3 बार गुणा। तो देखिए एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो कितनी बची, एक आर बचेगी, ठीक है ना। तो हम काट देते हैं, देखिए तो कितना, एक आर बचा। अब क्या है, h बराबर बचा है 4/3 और इनटू में r, ठीक है दोस्तों। तो हाइट तो आ गई आपकी, ऊंचाई तो आ गई 4/3 r, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से बतानी है। देखिए क्या लिखा है 4/3 r, देखिए त्रिज्या का 4/3 गुना हम लिख सकते हैं। देखिए h बराबर त्रिज्या है, लिख दीजिए इसको त्रिज्या का मतलब क्या होता है गुणा, तो गुणे में तो है ही इसके, देखिए त्रिज्या का 4/3 गुना, ठीक है ना। तो इसकी एज कितनी है, त्रिज्या का 4/3 गुना, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां मैंने ऑप्शन इसलिए ले लिखे हैं क्योंकि सवाल को मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, एक एक बारीक बारीक चीज लिखकर, ठीक है ना। और यदि मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता तो सवाल को कहाँ सॉल्व करता। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन मैंने यहाँ नहीं डाले इसके लिए। देखिए क्या कह रहा है, एक गोले के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल 5,544 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताइए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों गोले, बात हो रही गोले की, गोले का बक पृष्ठ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बराबर में 5,544, और आपसे कह रहा है कि इसका आयतन बताइए, गोले का आयतन बताना है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि आपको यदि गोले की आर पता लग जाए तो आप गोले का आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 4/3 पाई का मान तो आप रख ही देंगे 22/7, हमें चाहिए आर, क्या चाहिए आर। तो दोस्तों आर हम यहां से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। गोले का बक पृष्ठ क्या होता है, गोले का बक पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है
पाई आर स्क्वायर। आपको दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आयतन क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और नहीं है तो अब तक हम क्षेत्रफल और आयतन को वो अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। देखिए वक्रपृष्ठ होता है 4πr² और बराबर में कितना दे रखा है ये 5544। चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए 4π का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 5544। 11 के पारे से हम इसको काट सकते हैं दोनों को। देखिए 11 × 2 = 22, ठीक है ना। 11 के पारे से कटेगा ये 11 × 5 = 55, 0 लगाया 11 × 4 = 44, 504 बार। और कट सकता है, हाँ और काट सकते हैं हम 2 के पारे से। देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 4 कितना आ गया 252। और काट सकते हैं दोस्तों कैसे 252, छोटा कर लेते हैं हम इसको, एक काम करते हैं ठीक है। देखिए 4 के पारे से कट जाएगा ये 52। देखिए 252 4 के पारे से काटेंगे, 4 × 6 = 24, 1 × 4 = 12, यानी कि अभी कितना हो गया r² / 7 = 63। इतना छोटा हमने कर लिया। 7 का दोस्तों यहाँ गुणा कर देते हैं, कैची गुणा हो जाएगा। देखिए तो r² = देखिए 7 × 3 = 21, हासिल लगी 2 × 7 = 42 और 2 = 44। अब ये स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो r बराबर क्या आएगा अंडर रूट में 441। r बराबर कितने का स्क्वायर है दोस्तों ये 21 का। जब अंडर रूट से हम 441 को बाहर निकालें तो क्या आएगा 21। तो r की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है ना। r की वैल्यू कितनी आ गई 21, इस गोले की त्रिज्या कितनी आ गई 21। अब हमको निकालना है गोले का आयतन, ठीक है ना। तो रख देते हैं गोले का आयतन क्या 4/3, पाई का मान क्या 22/7, आर क्यू, आर कितना 21, क्यू लिखा है इसका मतलब इसे हम 3 बार गोले में लिख दें। देखिए काटते हैं दोस्तों इसको, 7 × 21 और 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है ना। क्या बचा 4 × 4 = आपका 22 और 21 × 21। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या क्या बचा है 4 × 22, 21 × 21 में करेंगे क्या आएगा 441, ठीक है ना। अब हम इस 4 का गुणा यहाँ भी तो कर सकते हैं, इसमें कर दीजिए। देखिए 4 × 4, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 17, क्या बचा आप गुणे में 22। थोड़ा लेंथी सवाल है दोस्तों, गुणा तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम में देखिए करते हैं, 2 × 8 6 × 12 हासिल लगी 1, 7 × 14 = 15 हासिल लगी 1, 2 × 2 = 1, 3 सेम टू सेम फिर से होगा 8, 2, 5, 3 जोड़ दीजिए 8, ये हो गया आपका 10 हासिल लगी 1, 7, 8 ये भी 8, 3 तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 38,808, कितना 38,808 के सेंटीमीटर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक गोले का आयतन 4,851 घन सेंटीमीटर है, इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहां आपसे क्या रखा है, गोले का आयतन दे रखा है, इस बार गोले का आयतन कितना दे रखा है आपको 4,851 और पूछ रहा है गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है अभी अब मैंने आपको करवाया था 4πr², इससे पहले वाले सवाल में था, ठीक है ना। तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 4πr², जरा ध्यान से देखिए निकालना क्या है हमको 4πr², यानी कि त्रिज्या पता लग जाए तो हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए गोले का आयतन क्या होता है, लगाइए 4/3πr³ और बराबर में कितना दे रखा है ये 48 × 51। सॉल्व करते हैं इसे आगे, देखिए 4/3, पाई का मान रखेंगे 22/7, r³ बराबर 48 × 51। इसे काटने की कोशिश करते हैं दोस्तों, छोटा करने की। देखिए 11 के पारे से कट सकता है, 11 × 2 = 22, 11 से काटेंगे इसे 11 × 4 = 44, 4 बचा 11 × 4 = 44, 1 × 11 = 11, यानी कि ये कट गया 441 बार, ठीक है। आगे देखते हैं,
देखिए, सात तिया कितना हो गया दोस्तों, सात तिया 21, ये कैची गुणा में यहां चला जाएगा ऊपर, और यहां बचेगा चार दूनी आठ, यानी कि आठ गुणे में आर क्यू बराबर 441 गुणे 21। अब दोस्तों आर की आपको वैल्यू निकालनी है, इसे हम कोशिश करते हैं इजी से इजी करने की। देखिए आर क्यू, ये आठ नीचे जाएगा, देखिए इस 441 को मैं तोड़ सकता हूँ ना 21 गुणे 21 में, और ये भी देखिए एक 21 यहाँ पहले से लिखा है, बटे आठ को नीचे ले जा रहा हूँ मैं बराबर किस तरफ, यहाँ तो आठ नीचे आएगा तो आठ को भी तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 में। यानी कि कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 21 का क्यू है और ये 2 का क्यू है। ध्यान से देखिए, ये गुणे में जो संख्या आई है वो 21 का क्यू है और ये 2 का क्यू है आठ, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, आर क्यू बराबर 21/2 का होल क्यू, और जैसे ही हम क्यू से क्यू कैंसिल करेंगे तो आपको आर की वैल्यू पता लग जाएगी। क्या आ गई आर की वैल्यू? आर की वैल्यू आ गई 21/2, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ गई? 21/2। अब हम रख देते हैं इस आर की वैल्यू को, यहाँ रखिए, देखिए 4π/22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 21/2 स्क्वायर में है, यानी कि दो बार गुणा करके लिख देते हैं हम 21/2 गुणे 21/2। देखिए सॉल्व करते हैं इसे, 7 * 21, 2 * 2 = 4 है दोस्तों, या ऐसे काट सकते हैं 2 * 2 = 4, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 22 * 21 * 3, तो 21 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 63, और गुणे में क्या बचा 22, गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 * 3 = 6, 6 * 2 = 12, सेम टू सेम, देखिए 6 * 8 = 3, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 1386 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाभ हानि से ये क्वेश्चन लिया है मैंने, और आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी 2013 में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता 1 रुपए में 6 की दर से टॉफी खरीदता है, 1 रुपए में वह कितनी टॉफियां बेचेगा कि उसे 20% का लाभ हो। तो दोस्तों यहां सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है वो, 1 रुपए में उसने 6 टॉफी खरीदी, यानी कि ये क्रय मूल्य दे रखा है, तो आप 1 टॉफी का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। देखिए 1 टॉफी का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, मैंने आपको पिछले सेट में बताया था, जब भी इस तरह की कंडीशन लिखी हो कि 1 रुपए में 6, 1 रुपए में 10, 1 रुपए 15, तो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, हमेशा चाहे आप किसी चीज का क्रय मूल्य निकाल लो या विक्रय, यदि एक एक का पूछे तो 1 टॉफी का कैसे निकालेंगे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, तो रुपए कितने हैं 1 रुपए और वस्तु कितनी है 6, तो 1 टॉफी का क्रय मूल्य कितना आ गया 1/6, ठीक है। अब आपको लाभ कितना कमाना है, 1 रुपए में कितनी बेचे कि 20% का लाभ हो, ठीक है ना। तो लाभ कितना कमाना है आपको, 20% का आपको लाभ कमाना है, और कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी बेचे, यानी कि यहां बात हो रही है सेलिंग प्राइस की, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सिंपल सा दोस्तों एक फॉर्मूला है जो हम पहले भी कर चुके हैं कई बार, कौन सा, कॉस्ट प्राइस का 100 ± सेलिंग प्राइस लगा दीजिए। देखिए कॉस्ट प्राइस का 100, या आप हिंदी वाले बच्चों के लिए कह देता बताता हूं मैं, क्रय मूल्य का 100 ± विक्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य का 100 प्लस विक्रय मूल्य। देखिए लगाते हैं कॉस्ट प्राइस का 100 ± सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है 1/6, ठीक है ना, का की जगह गुणा आएगा 100 ± अगर लाभ हो तो प्लस करेंगे, हानि है तो माइनस, यहाँ क्या हो रहा है लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा ये 120% बराबर में सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। देखिए परसेंट को जैसे हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100, 0 से 0 कट जाएगी, 6 * 2 = 12, ठीक है, 2 के 5 को काट सकते हैं 2 * 5, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस निकल कर आया दोस्तों 1/5, ठीक है ना, 1/5। तो देखिए मैं कह सकता हूं कि मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऊपर रुपए नीचे वस्तु, क्या बताया था, ऊपर रुपए और नीचे वस्तु, तो मैं आपसे कह सकता हूं उसने क्या कहा 1 रुपए में कितनी बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस तो आया है, देखिए तो मैं कह सकता हूं 1 रुपए में कितनी बेचेगा वो
पांच बेचेगा, वस्तु नीचे आती है ना, 1 रुपए में कितनी बेचेगा, पांच बेचेगा, ये इसका बेसिक है दोस्तों, ठीक है। तो 1 रुपए में कितनी बेचेगा, पांच, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी मैंने लाभानी से लिया है, क्वेश्चन आरआरसी गुवाहाटी ग्रुप डी और आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 572 रुपये में एक कुर्सी बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ पाता है, उस कुर्सी की लागत मूल्य क्या है। तो देखिए यहाँ आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, 572 बेच रहा है ना, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 572 रुपये, और कह रहा है एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है बेचने पर, लाभ कितना कमा रहा है इस पर, वो 30% का। कह रहा है कुर्सी की लागत मूल्य क्या है, लागत का मतलब क्रय मूल्य, वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है, यानी कि क्रय मूल्य आपसे निकालने को कह रहा है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस माइनस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य का 100 प्लस माइनस बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। देखिए कॉस्ट प्राइस हमको निकालनी है, रखी रहनी चाहिए ऐसी, का की जाए गुणा, यहाँ क्या 30% लाभ कमाया ना उसने, जब लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे, तो लाभ हो रहा है ना तो इसमें जोड़ दीजिए, देखिए 100 में कितना आएगा, 130% बराबर में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 572। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा, 100, 0 से 0 कैंसिल, 13 से इसे काट के देखते हैं, देखिए 13 चौके 52, 5 बचा, 13 चौके फिर से 52, कट के दोस्तों इस 10 का कैंची गुणा यहाँ हो जाएगा, तो क्या आएगा कॉस्ट प्राइस निकल के, 440 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं में पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 52% के समान है, तो क्रमशः पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। दोस्तों क्वेश्चन आरआरसी भोपाल ग्रुप डी 2014 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। देखिए क्या कह रहा है, पहली संख्या का 38%, मैं मान लेता हूँ पहली संख्या ये हो गई, पहली संख्या का मतलब गुणा 38%, दूसरी संख्या मान ली मैंने, दूसरी संख्या के मतलब गुणा 52% के समान है, यानी कि बराबर है, और इन दोनों संख्याओं का हमें अनुपात बताना है। तो देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट परसेंट भी काट सकते हैं, और यदि आप चाहें तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी परसेंट को काट सकते हैं या परसेंट हटा के नीचे 100 रख के भी काट सकते हैं, क्या बचाओ, पहली संख्या गुणा 38 बराबर दूसरी संख्या गुणा 52, काट के देखते हैं, देखिए 2 के पार से कटेगा 19 बार और 2 के पार से कटेगा 26 बार, तो क्या बनी कंडीशन, पहली संख्या गुणे 19 बराबर दूसरी संख्या गुणे 26। जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो क्या करते हैं दोस्तों, हम पहली संख्या का मान क्या होगा, जो बराबर में दूसरी संख्या के गुणनफल में लिखा हो, क्या पहली संख्या का मान क्या होगा, जो बराबर में दूसरी संख्या के गुणनफल में लिखा हो, तो 26 हो गया, और दूसरी संख्या का मान क्या होगा, जो पहली संख्या के गुणे में लिखा हो बराबर में, दूसरी संख्या का मान क्या होगा, जो पहली संख्या के गुणे में लिखा हो बराबर में, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 19, तो पहली संख्या क्या आई 26, सॉरी पहली संख्या आई 26, हाँ, और दूसरी आई 19, और इसी का तो अनुपात पूछा है आपसे, तो क्रमशः पहली दूसरी का अनुपात क्या होगा, तो पहली दूसरी का अनुपात क्या होगा, 26:19। और याद रखिएगा दोस्तों एग्जामिनर, जल्दबाजी में आप गलती ना करना, एग्जाम में हो सकता है आप बोल दे दूसरी या पहली का बताइए, दूसरी और पहली का, क्योंकि हमको अधिकतर आदत होती है पहली दूसरी निकालने का, अनुपात हमेशा पहली दूसरी का निकालने को एग्जाम में कहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम में कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ दूसरा लिखाओ और यहाँ पहला लिखाओ, तो आंसर पलट जाएगा, ध्यान रखिए आंसर पलट जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।